बरही की घटना के बाद वहाँ स्थिति को कैसे संभाला जाए, शांति और कैसे बहाल हो, जो माहौल है वो और ना बिगड़े, इसके लिए वहाँ के विधायक उमाशंकर अकेला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सारी चीजों की जानकारी दी और वहाँ के लिए उन्होंने विशेष बातचीत की है। साथ ही साथ जो मृतक है उसके मुआवजे के लिए बात की है। हमारे साथ खुद हैं बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी, और अभी जो बरही के हालात हैं उस पर इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी है और वहां की स्थिति पर उन्हें भी जानकारी दी। हमारे साथ खुद हैं अकेला जी, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। क्या बात हुई मुख्यमंत्री से, आप मिलकर अभी आई है, क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा? सबसे पहले तो 6 तारीख की रात किस विषय पर लड़की की हत्या हुई है अभी पूरी जानकारी छन के नहीं आई है, लेकिन लड़के की हत्या हुए रुपेश पांडे जी का एक दुखद घटना है, ये शर्मनाक घटना है, ये बर्दाश्त से बाहर की घटना है। हत्या करना यानी कि सबसे बड़ा अपराध होता है, इसकी मैं 100% का 1000% मैं इसको निंदा करता हूँ, उसके बाद में कुछ अपराधी कर्मी लोगों ने घटना के बाद सुनियोजित ढंग से दुलमाहा के गांव में जाकर उत्पात मचाया, कई घरों में आग लगा दिया, करियापुर में गुप्तियों में आग लगा दिया, मोटरसाइकिल के जला दिया, फोर व्हीलर को जला दिया। उसके बाद हमारी जब सूचना मिली तो मैंने DSP को, SP को, DC को, थाना प्रभारी को, सारे लोगों को मैं रात भर जागता रहा, और किसी प्रकार से कोई दूसरा कैजुअल्टी नहीं हो इस पर मैं तत्परता दिखाते हुए पूरा फोर्स वहां लगाया और शांति की व्यवस्था मैंने कराई। और इसी विषय को उसी दिन 7 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था और वहां रोड जाम था, मैंने पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास किया, कई बार हम बुलाने का प्रयास किया, वहाँ रोड जाम था। हम लोगों ने कहा कि जो भी आपको बात करनी है सरकार हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जा करके मैं कहूँगा, और आपको जो भी कहना है कहिए, मैं सारी चीज़ों को मैं आपको मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको घेर के रखा और अपनी रोटी सेकने के लिए यानी कि अपना राजनीतिक चमकाने के लिए या दंगा फसाद करने के लिए उन्होंने हमारे पास आने नहीं दिया। मैंने आधे घंटा पौन घंटा वहाँ रहा और हमने कहा कि भाई जब हमारी बात नहीं मानते हैं, मैं सरकार के यहाँ, अब उसी समय वहाँ JMM के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत पांडे जी से मैंने माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब से हमने बात कराई। उसके आधा घंटा पहले मैंने आपका पिंटू श्रीवास्तव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिषेक कुमार जी जो किए हैं उनसे भी बात निकाली, जानकारी उनको फ़ोन पर हमने दी। उसके बाद मैं हमको दिल्ली भी जाना था, माननीय राहुल जी से हम लोग को मुलाकात करनी थी और मैंने SP और DC को निर्देश दिया कि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना नहीं घटे, शांतिपूर्वक इसको जाम हटवाने का काम करें। और मेरे आने के बाद लगता है कि 5 मिनट नहीं हुआ और वो जाम खत्म करा दिया लोगों ने। तो क्यों क्या मंशा थी उस विषय पर हम नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर में रोड जाम खत्म हो गया। उस समय मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद में मैं दिल्ली से जब लौटा तो हमने कहा कि सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो परसों तो नहीं बैठे थे, कल प्रोजेक्ट भवन में बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात की और सारी विषयों पर जानकारी हमने दिया कि जो जो घटना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से आग लगा है, किस प्रकार से हत्या हुआ है, शर्मनाक घटना। और हमने उनसे कहा एक ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पार्लियामेंट तक हमको जानकारी मिल रही है कि सुनील सिंह जो चक्रा के सांझा थे उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल खड़ा किया, आज रघुवर दास जी जा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जा रहे हैं, इसके पहले मनीष जी वहाँ गए, इसके पहले आपका सभी लोग गए, पूर्व विधायक वहाँ मनोज यादव जी सारे लोग गए, जाना चाहिए, सहानुभूति तो हर लोगों की होती है हत्या पर। तो मैंने ये सारी चीज़ों को जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा है कि ये बवाल जो कर रहा है इन लोग, एक दल की भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चिंता इस बात की है कि एक हत्या हो गई है, इसके पहले कई हत्याएं हुई, इसके पहले कई हत्याएं को हुई, एक ही
हिंदू समाज की नहीं मुसलमानों समाज की हत्या की बरही में हुई है। जिस समय बरही में हत्या हुआ है उस समय विशेष बवाल नहीं हुआ, घर में ही जलाया गया। उस समय मुस्लिम लड़की की हत्या हुआ उसका भी हमने लोगों को, और जो हत्या किया वो जेल गया। उसी प्रकार से इन लोगों को ने हत्या किया रुमेश पांडे को, चार आदमी जेल चला गया और जो भी बचे हुए वो जेल जाएंगे। वही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा करें, इसकी जाँच आप CBI से करवा दें। जी, मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया, उनके ओर से क्या मिला? कैबिनेट की बैठक थी, उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर हम विचार करेंगे और निश्चित तौर पे इसको हम पीड़ित परिवार को इंसाफ देने का काम करेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, कहा कि जाइए वहाँ शांति की व्यवस्था कराइए। और हमने उनसे ये भी कहा, आग्रह किया उस पीड़ित परिवार के बारे में भी आप सोचें, आप राज्य को उसको मुआवजा देने की बात। हाँ, मैंने हमने कहा कि उनके परिवार के बारे में आप सोचें, एक ही लड़का था उसके और दूसरा कोई भाई नहीं था, वो एक ही लड़का था। तो उनसे हमने कहा कि पीड़ित परिवार के बारे में आप सोचिए, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ आपके हैंड में होते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, कारण है कि कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद वो करने पहुंचे। अकेला जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, ऐसे भी हजारीबाग का जो इलाका है उसमें कभी ना कभी बीच बीच में रह के ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आपके विधानसभा में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और क्या लगता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं? इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारा देश आजाद नहीं जब था तो उस समय हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती थी, सारे हिंदू मुसलमान मिल करके अंग्रेजों को विरोध में लड़ाई लड़ते थे। जिस प्रकार से भगत सिंह को फांसी पड़ी, बस फांसी लगाकर फांसी पड़ी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए और हमारा देश आज़ाद हो जाए, गरीबों का राज हो, मजदूरों का राज हो। लेकिन ये दुर्भाग्य हुआ कि हमारे आइडिया जो समझिए कि ये भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इसहाकुल्ला है, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, ये सारे लोग मेरे आदर्श हैं और गांधी जी भी हमारे आदर्श हैं। इसमें दो मत नहीं है कि उन्होंने आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया, देश को आज़ादी कराने में काफ़ी भाग लिया है। और उसके पहले गांधी जी के पहले तो उन्होंने 1915 में लॉन्च किए थे इस आज़ादी की लड़ाई में, उसके पहले भी गदर पार्टी चला थी। सुमंत सिंह भाकरा है, करतार सिंह सराभा है, इस सारे लोगों हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई में अपनी शहादत दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उस समय जब कोई भेदभाव नहीं है तो आज हिंदुस्तान में किस बात का भेदभाव आप लोग उनका बना रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बाँट करके देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, ये शर्मनाक बात है। इस प्रकार से बात नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को चाहिए कि हम एकत्रित देश को हम सारे दुनिया का नज़र हमारे देश में है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो भी है वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और हम लोग उसी में अपने राज्य में आज देख रहे हैं कि इस प्रकार से भावनाएं भड़क रही थी, ये तो गृह युद्ध की तरह चला जा रहा है, गृह युद्ध को ये और जा रहा है, संकेत दे रहा है। आप जातिवाद, हम कुर्मी हैं, हम यादव हैं, हम सिख हैं, ये है सारे जो जातिवाद है, हम हरिजन है, उसके वो सभी लोग आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारा देश खंडित हो जाएगा, ये शर्मनाक बात है। जातिवाद भेदभाव हो रहा है, चुनाव में जातिवाद होता है, धर्मवाद आता है, नारे लगते हैं, ये सारे चीज बड़ा दुखद की घटना है। बिल्कुल, बरही की जनता से क्या अपील करेंगे आप लाइव लगातार के माध्यम से, माहौल को कैसे और शांत? मैंने तो पहले हमारे लोग, कल हमारे जिला के अध्यक्ष उदय सिंह जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव जी, वहाँ हमारे प्रखंड के अध्यक्ष JMM के हैं, रंजीत पांडे जी हैं वहाँ उपस्थित, ये सारे हमारे लोगों ने उन लोगों को जाके आश्वासन दिया कि मेरी सरकार है। लेकिन उन लोगों को दिमाग में कुछ पार्टी के लोग गलत फीडबैक दे रहे हैं, इंसाफ पार्टी वाले नहीं दे सकते, इंसाफ सरकार दे सकती है, आंदोलन करके भड़का सकते हैं। ये शर्मनाक की बात नहीं है कि बूटी में आका लगा देना, हत्या हुआ है उसका निंदा मैं करता हूँ, उसको फांसी दिलाने का प्रयास करें, चाहे कोई भी हमारा आदमी हो, चाहे किसी का आदमी हो, लेकिन घर में आग लगा देना, मोटरसाइकिल में आग लगा देना, गुमटी में आग लगा देना, ये क्या शर्मनाक बात है कि नहीं? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप क्या अपील करेंगे? वो सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब क्या? अब मैं अपील क्या पूरी बड़ी विधानसभा के जनता, इस बात का दुर्भाग्य है इस घटना के बाद में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, मैंने नेट बंद हो गया, कितना बड़ा शर्मनाक की बात है।
एक घटना घटी नहीं, इतने जिलों में एक बंद करा दिया गया ये शर्मनागर। और मैं बड़ी विधानसभा से अगल बगल जितने भी है, चतरा जिला, हजारीबाग जिला, रामगढ़ जिला, गिरिडीह जिला, धनबाद जिला, बोकारो जिला से अपील करता हूँ, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि शांति की व्यवस्था कराएं, अमन चाहे बहाल करें, यही मेरा घोर। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बड़ी विधानसभा के लोगों से, मैं नई टाण के लोगों से यानी कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गुलमहा और लखना के और करियारपुर के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कोरियाडी के लोगों को, धनबाद के लोगों से, बढ़ी के लोगों से, सारे लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अमन चाहे बहाल करें, आपसी में भेदभाव ना करें, मानवता की दृष्टिकोण सब मानव बराबर है। जी बिल्कुल, तो ये थे उमाशंकर अकेला बरही विधायक, और इन्होंने तमाम न सिर्फ बरही बल्कि और भी जहाँ जहाँ भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वहाँ के लोगों से अपील की है कि संयम बरतें और इस राज्य में और इस देश में शांति लाए। सहयोगी श्याम के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।